नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ बोला एंड बानो डू नॉट लेट द जूबी फ्री। कि अगर बोला और बानो जो है वो जूबी को आज़ाद नहीं करते, उसकी हेल्प ही नहीं करते गेट ओपन करके, तो फिर जूबी के साथ क्या होना था? आदमियों ने उसको पकड़ के तो केज में डाल दिया था, तो फिर उन्होंने उसको क्या करना था? मैन वुड सेंड हीम इन टू द केज ऑफ जू। कि आदमियों ने उसको पकड़ लेना था, फिर उसे जू में ले जाना था चिड़ियाघर में, और वहाँ पे जाकर उसे केज में बंद कर देना था, और फिर उसने सारी उम्र वहीं रहना था और वो कभी वापस भी नहीं आ सकता था फॉरेस्ट में। तो इसका आंसर है मैन वुड सेंड हीम इन टू द केज ऑफ जू। स्टूडेंट लास्ट में यूनिट के एक चेकलिस्ट हो गया, आपने इसको ज़रूर सॉल्व करना है। यहाँ पे है आई हैव रिटन डेट एंड डे, कि मैंने हर पेज के स्टार्ट में डेट और डे मेंशन की थी। अगर आपने की थी तो आपने राइट करना है येस, यहाँ पे टिक कर देंगे। आई हैव चेक माय स्पेलिंग, कि मैंने जितना भी क्लास वर्क किया उसके मैंने स्पेलिंग चेक की है और वो स्पेलिंग सब ठीक है, तो आपने वहाँ पे भी टिक कर देना है। नेक्स्ट है माई वर्क इज़ नीट एंड ईजी टू रीड, कि जो मेरा वर्क है क्लास वर्क स्पेलिंग वो बिल्कुल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है और उसमें मैंने सारे स्पेलिंग सही की हैं, तो आपने आसानी से पढ़ा भी जा सकता है, तो आप इसको भी टिक करेंगे। आई हैव गिवन स्पेसिस बिटवीन वर्ड्स, कि मैंने जो वर्ड्स राइट किए हैं उनके बिटवीन में मैंने स्पेस सब में छोड़ी है, तो आप यहाँ पे करेंगे टिक। आगे आई हैव चेक माई कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स, कि मैंने फर्स्ट लेटर हर क्वेश्चन का कैपिटल राइट किया है और एंड पे मैंने फुल स्टॉप जरूर गए, तो आप फिर भी यहाँ पे करेंगे टिक, तो आपका पेज नंबर 14 सॉल्व होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे है कैन यू लेबल एन एलिफेंट, कि आप ये एलिफेंट है और यहाँ पे इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, तो अब हमने उनकी करेक्ट जहाँ पे उसका एरो है उसको करेक्ट बॉक्स में हमने उनका राइट करना है। जैसे फर्स्ट में है ट्रंक, अब ट्रंक मीन्स सूंड, ये जो सूंड होती है एलिफेंट की इसको बोलते हैं ट्रंक, इसी के ज़रिए वो खाता पीता भी है। और अगर वो देखें, वो आपने स्टोरी में भी देखा था ना कि वो रिवर में बात कर रहा था, तो अब उसी के इसी से कर रहा था, और जब पानी पीना होता है तो वो इसी के ज़रिए पानी भी पीता है, तो दिस इज़ ट्रंक, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ट्रंक। आइज, ईयर्स, टेल, फुट, और दिस दीज आर टस्क, ये जो एलिफेंट के बाल लंबे टीथ निकले होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं टस्क, तो दिस दीज आर लेबल्स ऑफ एलिफेंट्स। और स्टूडेंट्स एलिफेंट जो है वो ज़मीन पे सबसे जो वजनी भारी एनिमल है ना वो होता है, और ये बता आपको किससे डरता है? इतना भारी एलिफेंट और ये किससे डर इसको लगता होगा? डॉग्स से, जो डॉगी होते हैं ना उनसे ये बहुत डरता है। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज फ्री इन द फॉरेस्ट सॉल्व होगी, और आपने लेड पेंसिल के साथ राइट करना है, और जितनी अगर किसी का कोई वर्कबुक पेज नंबर पेज स्किप होगा कि सारा ब्लैंक पेज होगा, तो आप उसको नोटबुक पर भी राइट करेंगे। तो लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस भी आसानी से मौसूल हो सकें। थैंक यू।